तो एक तरफ प्रदेश के नेताओं के बयान आ रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस विषय को लेकर कांग्रेस को घेरा है। उनसे बात की जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार ने। बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से। नड्डा जी, ये भोका लिंगा प्रभावित क्षेत्र है, असर यहाँ पर है कुमार स्वामी और देवगौड़ा का, क्या इस गढ़ को तोड़ पाएंगे आप लोग? आप देखते रहिए, नतीजे इस बार चौंकाने वाले होंगे। एक तरफा लोग भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए आतुर हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के काम को, और उन्होंने जिस तरीके से कर्नाटक को आशीर्वाद दिया है और जो धरती पर येडियुरप्पा जी और बोम्मई जी ने उसको उतारा है, उसको देख करके कोई भी किले किसी के रहे ही नहीं, सारे ध्वस्त होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा आशीर्वाद मिलने वाला है। कांग्रेस आपका मेन ऑपोजिशन में है, उनका अपना मैनिफेस्टो जारी होता है, वो कहते हैं कि PFI पर तो बैन लगाएंगे ही और दूसरे जो समाज के संगठन है उस पर भी बैन लगाएंगे PFI के साथ साथ। उन्होंने पहली बात तो ये है कि सिद्धारमैया जी जिन्होंने PFI के 175 केस वापस लिए, 1600 लोगों को छोड़ा जेल से, पहले वो कर्नाटक की जनता से माफी मांगे। ये PFI पर बैन लगाने की बात जो वो कहते हैं, अब उनको मौका ही नहीं मिलने वाला है। जब मौका था तो आपने छोड़ दिया, अब तो भारतीय जनता पार्टी बैठी है, हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, गृह मंत्री बैठे हैं, PFI पर बैन लग चुका है, अब आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, अब तो वो सब अंदर है जेल में। आपने समाज में विद्वेष पैदा करने के समय आपने उनको खुली छूट दी और वो उन्होंने हर तरीके का कानून को हाथ में लेकर के समाज में दुर्भावना पैदा की और सिद्धारमैया उसके चीफ आर्किटेक्ट थे। आज आप PFI की बात करते हो, अब आपके हाथ में रह क्या गया है? नड्डा जी वो कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे, गौ हत्या को रोकने के लिए जो कानून है उसे खत्म करेंगे, धर्मांतरण रोकने का जो कानून है उसे खत्म करेंगे। ऐसा है, कांग्रेस पार्टी का मानसिक दिवालियापन हो चुका है, वह तुष्टीकरण की नीति में देश के इंटरेस्ट को कब की बेच चुकी है, कभी उनको देश का चिंता नहीं है, देश के इंटरेस्ट की बात करते नहीं है, वो किसी के नहीं है, वो वोट के हैं और वोट मिलने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सर उनको मिलने वाला नहीं है। लेकिन सर वो ये भी कह रहे हैं कि हम पर आरोप लगता है सांप्रदायिकरण का या फिर एपीजमेंट का, लेकिन वही आरोप आप लोगों लगा रहे हैं वो कि एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए, बहुसंख्यक को खुश करने के लिए नाम हम ले रहे हैं कुछ और संगठन का, आप लोग उसे बजरंग बली से जोड़ दे रहे हैं। ऐसा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। कांग्रेस पार्टी ने पहले राम जी पर ताला लगाया था, अब बजरंग बली पर ताला लगा रहे हैं, यही उनका उद्देश्य रहा है, हम सबका साथ लेकर के चलने वाले हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, क्या बीजेपी कांग्रेस के इस जो एक उनको उम्मीदें हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को, किस बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कि हिमाचल के बाद कर्नाटक से भी बीजेपी की सत्ता छीनेंगे, उसे रोक पाएंगे? रोक क्या पाएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी एक तरफा यहाँ पर लोग जिता रहे हैं, हम अपने बहुमत के साथ आ रहे हैं और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है।